लखनऊ से है, सूत्र ये बता रहे हैं कि सपा ने तय किए 3 राज्यसभा प्रत्याशी, जिसमें जया बच्चन, रामजीलाल सुमन का नाम भी है, इसके अलावा आलोक रंजन को टिकट देगी सपा। ये सूत्रों से जानकारी फिलहाल सामने आई है। अखिलेश सरकार में मुख्य सचिव थे आलोक, रिटायरमेंट के बाद अखिलेश के साथ आए। 2022 चुनाव में सपा के रणनीतिकार थे आलोक। रामजीलाल सुमन बड़ा दलित चेहरा, चंद्रशेखर सरकार में मंत्री रहे हैं रामजीलाल। तो ये 3 नाम जो है वो सामने निकल कर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, जिसमें पहला नाम जया बच्चन का है, जो कि 5 बार राज्यसभा भेजी जा चुकी है और अब फिर उनका नाम तय किया है राज्यसभा के लिए। इसके अलावा रामजीलाल सुमन का नाम भी तय किया गया है। आलोक रंजन है जिनको टिकट देगी सपा, ये सूत्रों से फिलहाल जानकारी सामने आ रही है। इससे पहले बीजेपी ने 7 नाम जो है वो अनाउंस कर दिए हैं। नीतीश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, ये 3 नाम बताया जा रहा है कि फाइनल हो सकते हैं, क्या जानकारी है इसको लेकर? देखिए, आज अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी समाजवादी पार्टी के कार्यालय में मौजूद है। कुछ देर पहले रामगोपाल यादव भी वहां पर पहुंचे हुए थे और इस पूरे मसले को लेकर वहां चर्चा हुई है। और जिन सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास जानकारी है वो यही है कि जो 3 नाम है उन पर आपसी चर्चा हुई और चर्चा के बाद लगभग मुहर लगनी तय है। आपको बता दो, इसमें जया बच्चन का नाम है, रामलाल सुमन का नाम है, इसके साथ ही आलोक रंजन का नाम है। इन 3 नामों पर खासतौर से चर्चा है और चर्चा ही नहीं बल्कि अंतिम मुहर भी लगाई जा चुकी है। और रामगोपाल यादव ने भी इस पर कहीं ना कहीं कहा है कि राज्यसभा जाने वाले जो नाम है वो लगभग फाइनल स्थिति में। अब आपको बताएं कि ये जो 3 नाम है इनके महत्व को अगर देखें तो रामजीलाल सुमन है वो हाथरस के रहने वाले हैं और चंद्रशेखर जी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे और मुलायम सिंह यादव के समय में दलित चेहरा माने जाते थे। तो अब आने वाले दिनों में जिस तरह से दलित वोट बैंक को लेकर भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपना एक स्टैंड आगे क्लियर करना चाहती है तो उससे फायदा मिलेगा, इनका नाम आगे कर रहे हैं। आलोक रंजन की बात करें तो अखिलेश सरकार में मुख्य सचिव रहे लेकिन रिटायरमेंट के बाद जो अखिलेश यादव की टीम है उसमें शामिल हो गए और 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव के सपा के मुख्य रणनीतिकार माने जाते रहे और सपा के सोशल मीडिया की जो टीम है उसको भी कहीं ना कहीं लीड करते हुए दिखाई दे रहे थे। आलोक रंजन जी तो उनका नाम है, जया बच्चन तो सब लोग जानती है, जया बच्चन भी उसी पूरी लाइन कहे कि इस पूरी लिस्ट में शामिल है। लेकिन अंतिम मुहर के बाद अब ऐलान भर बाकी है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आज शाम तक इन 3 नामों का ऐलान हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि जो मुहर है वो सूत्रों के हवाले से जो लगती हुई नजर आ रही है वो कब तक ऐलान के तौर पर सामने आती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका नीतीश तमाम जानकारी देने के लिए।